दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी खाद का मिश्रण बनाना बता रहा हूँ जिसकी वजह से अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी पौधे की जड़ों से लेकर पत्तियों से लेकर फूलों तक का संपूर्ण विकास होगा और आपके पौधे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अगर मैं इसे कहूँ कि ये डीएपी और एनपीके का बाप है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप खुद वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखने की कोशिश करें, जिसे नहीं देखनी ना देखें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप बाउल में देख रहे हैं दोस्तों ये है एसएसपी बोले तो सिंगल सुपर फॉस्फेट। दोस्तों पहले इसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। मैं इसमें और चीज़ें मिलाऊंगा, यही मत समझिए कि मैं यही चीज़ मिलाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप देखें, देखना है तो मन करे तो। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है दोस्तों और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैसे तो मैं इन चीज़ों का उपयोग नहीं करता, किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का, ना ही आपको सलाह देता हूँ। मैंने ऐसे ही प्रयोग के तौर पर मंगाया है और ये काफ़ी सस्ता मिल गया मुझे, 10 रुपये किलो। यहाँ मिलता नहीं है, बाहर से मंगवाया है। तो मैंने सोचा इसका प्रयोग करके देखते हैं और यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं इसका प्रयोग पहली बार करने वाला हूँ। जो भी रासायनिक खाद है मैं आपको बताऊँगा, तो ऐसा बेस्ट मिश्रण बताऊँगा आपको कि आपके पौधे का संपूर्ण विकास होगा। दोस्तों जो भी खाद आप डालते हैं अपने पौधे पर, सबसे पहले उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपने वीडियो देखी और डाल दिया, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पाया जाता है और पौधे के लिए किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो मैं दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट में पाया जाता है, इसमें दोस्तों 14.5% जो है हमारा फॉस्फोरस पाया जाता है, 11% दोस्तों सल्फर और 21% कैल्शियम। तो दोस्तों मैं इस खाद को जो है, ये सिंगल सुपर जो फॉस्फेट है, इसको मैं डीएपी से भी अच्छा मानता हूँ। लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी डीएपी भी घुसा हुआ है, लेकिन डीएपी खाद से भी बहुत बढ़िया खाद है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का पौधा हो। वैसे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि इन रासायनिक खादों को आप सब्जियों में इस्तेमाल करें। सब्जी में आपको इस्तेमाल करनी है तो आप नॉर्मल जो ऑर्गेनिक खाद होती हैं, चाहे पत्ते की खाद हो, गोबर की खाद हो, वही आप। फॉस्फोरस दोस्तों हमारे पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जड़ों के विकास के लिए, जब छोटा पौधा होता है तो उसकी जड़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसमें सल्फर है। सल्फर क्या करता है कि हमारे पौधे को चमक लाता है, एकदम रौनक रहती है आपके पौधे पे और आपके पौधे की ग्रोथ ही बहुत ही हेल्दी रहेगी, अच्छी ग्रोथ होगी। और जो इसमें कैल्शियम है 21% जो सबसे ज़्यादा है, ये आपके पौधे को ताकत देगा दोस्तों। और जो आपकी जो मिट्टी होगी उसमें पानी की संग्रहण जो क्षमता होती है, यानी पानी को होल्ड करने की, वो बढ़ाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको यूज करने से हानि क्या हो सकती है। कुछ लाभ होते तो हानि भी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। सबसे ख़तरनाक जो खाद मैं मानता हूँ वो है डीएपी और यूरिया, ये जो मिट्टी को पूरा बर्बाद कर देती है सिंगल सुपर फॉस्फेट के मुकाबले, क्योंकि इसमें हर मात्रा एक बैलेंस रूप में है दोस्तों, कोई भी अधिक मात्रा नहीं है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 8 से ऊपर है तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके पीएच मान को ये बढ़ाता है, मिट्टी के पीएच मान को ये बढ़ाता है। तो अगर 8 है आपका मिट्टी के पीएच का मान, तो इसका प्रयोग ना करें। दूसरा दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता पहले से ही ज़्यादा है, मतलब आपकी मिट्टी बेल ड्रेन नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है जिससे उसमें पानी रुका रहता है, उसमें रेत की मात्रा कम है। तो अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, उसमें पानी पहले से ही ज़्यादा रुका रहता है, आपने बेल ड्रेन नहीं बनाया, तो ऐसी स्थिति में आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज नहीं करना है। चलिए दोस्तों इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया था इसमें और भी चीज़ें मिलाऊंगा, तो शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूरिया नाइट्रोजन, ये देख सकते हैं ये यूरिया नाइट्रोजन है। अगर आप इसको एसएसपी में मिला देते हैं, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में, तो ये दोस्तों डीएपी से भी बहुत ही पावरफुल हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे इसमें मिलाने वाला हूँ। मैंने जो है जो एसएसपी की मात्रा है
वो करीब 2 से 1.5 चम्मच लिए। ये आपको अपने पौधे की हेल्थ के अनुसार लेनी है, जो मात्रा हेल्थ और पॉट के साइज के अनुसार लेनी है। ऐसा नहीं कि आपका पौधा कमज़ोर है आपने ज़्यादा मात्रा ले ली, थोड़ी कम ले लें लेकिन ज़्यादा ना लें। तो मैंने 1.5 चम्मच लिए, इसे मैं अपने गुलाब के प्लांट पे यूज करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा दोस्तों, मैं सबसे पहले इन दोनों को पीस लूँगा। कैसे पीसूँगा अभी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों पहले मैं इसे पीस रहा हूँ। पीसने के लिए क्या करा है, मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया। अब इसी में मैं यूरिया भी डाल दूँगा, क्योंकि दोस्तों ये जल्दी पानी में घुलता नहीं है, तो मैं इसे पीस के डालने वाला हूँ। आप चाहे तो लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं। बेलन की सहायता से दोस्तों ये रोटी नहीं बन रही है दोस्तों, ये बन रही है हमारे पौधों के लिए स्पेशल रोटी। देखते कितना पिसा है इसमें। थोड़ा बहुत रह गया, इसको और पीस लेंगे। दोस्तों ये हमारा लगभग पीस गया है, उतना बारीक तो नहीं हो पाया लेकिन पीस गया है। SSP जो है काफ़ी हार्ड होता है, तो ये लगभग पिस जा गया और यूरिया भी इसमें पिस गया। तो हमारे पास जो मात्रा हो गई दोस्तों, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया और नाइट्रोजन भी हो गया। तो हमें दोस्तों इसमें अलग से कोई भी किसी भी तरह का वो जो है बोन मील आपको नहीं मिलाना पड़ेगा, मतलब कैल्शियम के लिए अलग से आपको बोन मील नहीं मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल सुपर फॉस्फेट में ही उपस्थित है। तो दोस्तों अब रह गया हमारा पोटाश। तो पोटाश देखिए दोस्तों, मैंने 1 चम्मच पोटाश लिया है और ये भी काफ़ी सस्ता मिलता है, काफ़ी दिन चल जाता है, ये 22 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। तो मैंने ये 1 चम्मच लिया है दोस्तों, मैं इसको इसमें मिला दूँगा, इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों अच्छे से। दोस्तों वो हमारे पास एक संपूर्ण परफेक्ट खाद तैयार हो गई है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी और पोटाश भी है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको SSP की मात्रा जो है थोड़ी ज़्यादा लेनी है और अपने पौधे के हिसाब से लेनी है, यूरिया और पोटाश के मुकाबले। DAP में आपका 46% फॉस्फोरस पाया जाता है, तो इसमें जो पाया जाता है वो है 14.5%। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप DAP का यूज करते हैं तो जितना आप DAP यूज करते हैं उसका दुगना या तिगुना आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, तब वो उसके बराबर पावरफुल तरीके से काम करेगा। लेकिन मैं SSP को सबसे बढ़िया मानता हूँ, DAP से भी अच्छा, जिस हिसाब से इसमें चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि हमें इसमें कैल्शियम के लिए कुछ अलग से मिलाना नहीं है, सल्फर भी है, तो ये मिक्स हो गया है। जैसा कि आपको बताया कि रासायनिक खाद का प्रयोग करने से भूमि पर बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, अगर हम लगातार इसका यूज़ करते हैं तो हमारी भूमि के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो इसका आप एक लिमिट के साथ यूज करें और फूलों के पौधे पर करें, सब्जी वाले पौधों पर ना करें। और आप जिस गमले में यूज कर रहे हैं उस गमले की मिट्टी को साल में एक बार बदल दें पूरे तरीके से, और पूरी नई मिट्टी में वो आप दूसरा पौधा लगाएं। और इसका यूज जब भी करें एक महीने में एक ही बारी करें, और सीमित मात्रा में करें दोस्तों, ये नहीं कि अंधाधुंध मुट्ठी भर भर के आप डाल लें, तो आपके पौधे का पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो इसका मिट्टी पर दुष्प्रभाव कम हो, इसलिए मैं इसमें एक चीज़ और मिलाने वाला हूँ। वैसे 100% तो नहीं हो सकता दुष्प्रभाव कम, लेकिन कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। यह है गोबर की खाद छनी हुई, और मैं इस खाद में ही इस मिश्रण को डालने वाला हूँ। अगर आप इस खाद का उपयोग आप किसी भी ऑर्गेनिक खाद के संग मिला के करते हैं, तो मिट्टी पर जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं उसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आप चाहे तो लिक्विड जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं ऑर्गेनिक, उसमें डाल के भी यूज कर सकते हैं, जैसे सरसों की खली हो गया। और ये दोस्तों एक परफेक्ट खाद है आपके किसी भी फूल वाले पौधे के लिए, उस पौधे का होगा संपूर्ण विकास, आप देखते रह जाएंगे दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे DAP और NPK का बाप क्यों कहा था। बिल्कुल ये दोस्तों उनका बाप है, उनके बाप का भी बाप है, आप एक बार डालिएगा तो देखते रह जाएगा। इसको मिक्स कर देता हूँ मैं, और चलिए इसको अपने पौधे पर अप्लाई करते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है गुलाब का हाइब्रिड टी रोज, जिसकी मैंने अभी हार्ड प्रूनिंग की थी, आपके संग वीडियो शेयर की थी और इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी। अब देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई, इस पर कलियाँ बन रही, तीन तीन, ये देखिए तीन तीन कलियाँ बन गई। तो मैं इस खाद का प्रयोग इसी में करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे, चारों तरफ से आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। कोशिश करें आपकी मिट्टी सूखी हुई हो। इसमें देखिए मैंने पहले से ही बनाना पील डाल रखा है, और दोस्तों मैं पहली बार ही इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ सानी खाद का, मैं इन चीज़ों से परहेज करता हूँ और आप नहीं करते तो अच्छी बात है। इसका फ़ायदा तो होता है दोस्त, लेकिन नुकसान बहुत होता है। मिट्टी को हाथ से फोड़ लें जो भी ढेले हैं। अब दोस्तों ये जो मिश्रण है इसको चारों तरफ डाल देंगे जड़ों से दूर। इसमें पानी डाल देंगे दोस्तों, अच्छी तरह पानी दे देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए।